हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम उसकी ओरिजिन, एग्रोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशन, मॉर्फोलॉजी और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। हार्वेस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे, प्रोसेसिंग को भी डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम डिजीज़ ऑफ द कॉटन उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम कॉटन के बारे में बहुत सारा बता चुके हैं, जो जनरल और मेजर कोर पोर्शन था वो ऑलरेडी हम लेक्चर बनने में बता चुके हैं, एमसीक्यू भी करवा चुके हैं। अब इसके सेकंड पोर्शन हम बताने जा रहे हैं कि कॉटन की ओरिजिन के बारे में और इसकी एग्रोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो गाइस, हम देखते हैं कॉटन के बारे में। जैसे कि हम बताया था गॉसिपियम, और इसकी चार स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है हिरसूटम। पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन गॉसिपियम हिरसूटम के थ्रू होता है, और इंडिया में भी गॉसिपियम हिरसूटम के थ्रू होता है। इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके साइट ऑफ ओरिजिन माने जाते हैं। और स्पेशली इंडिया में जो कॉटन है कल्टीवेटेड करी गई थी इंडस डेल्टा जो था, सिंधु रिवर वाली जो हमारी सिविलाइजेशन थी IBC, उसमें इसकी कल्टीवेशन की बात स्वीकार करते हैं साइंटिस्ट लोग कि वहाँ पर ये हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साउथ एशिया में जो इसकी स्पीसीज हैं हर्बेसियम और अल्बर्टम, इन दोनों की बात करी गई थी। और आज भी जो है हर्बेसियम जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली, सॉरी हिरसूटम करती आज के टाइम में, ओल्ड टाइम में हर्बेसियम और अल्बर्टम की बात करते थे, बट आज ये स्पीसीज दोनों ग्रो करी जाती है, बट सबसे आगे जो है हिरसूटम की कल्टीवेशन होता है इंडिया में एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की बात। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि दो टाइप की ब्रांचिंग, एक मोनोपोडियल होती है और एक सिम्पोडियल होती है। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल में कोई खास डिफरेंस नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम से कि मोनोपोडियल में जो ब्रांचिंग होती है मेन स्टेम की, उसमें बिल्कुल ही ब्रांचिंग नहीं है। उसके बाद जो अल्टरनेट उससे निकलती है सब ब्रांचेस, उनमें ब्रांचिंग होती है। जबकि सिम्पोडियल में क्या होता है, जो मेन ब्रांच में हर एक पॉइंट पे आप देखते हैं नई ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर उनसे पहले की तरह दूसरी ब्रांचेज निकलती हैं। कहने का मतलब है मेन स्टेम फर्स्ट राउंड में ही डिवाइड हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसे बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांचेस। देखते हैं फिर से एक बार इसे, देखिए जी, मेन स्टेम जो होता है इसका वो मोनोपोडियम होता है, मोनोपोडियल, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेम ग्रो वेजिटेटिवली फॉर मेनी ईयर्स फॉर्मिंग द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट इट्सेल्फ। मतलब क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो वेजिटेटिव होती है, मतलब उस पर कोई फ्लावर वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन ग्रोथ एंड कैरीज स्पायरली, उसमें क्या होता है केवल स्पायरली मतलब सर्किल बना के स्पायरली अरेंज लीव्स पाई जाती हैं, और उसमें कोई फ्लावर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके ग्रो वेजिटेटिवली। वेजिटेटिवली और रिप्रोडक्टिवली दो ही दो टर्म्स होते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जिनमें फ्लावर ना पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव ब्रांच जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं, फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोनोपोडियल का मतलब होता है जो मेन ब्रांच होती है उस पर कभी भी फ्लावर नहीं आते, वो ऑलवेज जो होती है पूरी लाइफ रिमेन कहना चाहिए वेजिटेटिव बनी रहती है, देर आर नो एनी काइंड ऑफ फ्लावर, तो कोई फ्रूटिंग नहीं होती उस पर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मेन ब्रांच के बाद जो ब्रांचिंग होती है कॉटन में वो कैसी होती है, डाइमॉर्फी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डाइमॉर्फी का मतलब क्या होता है, एक वेजिटेटिव और दूसरी फ्रूटिंग, फ्रूटिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव वाली जो होती है वो मोनोपोडियल होती है, और फ्रूटिंग मतलब जिसे बोलते हैं वो सिम्पोडियल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन में दो टाइप की ब्रांचिंग, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल, मतलब वेजिटेटिव एंड फ्रूटिंग। और मेन एक्सिस जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ मेनी लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेज होती हैं, बट उन ब्रांचेज क्या कहते हैं फार्मर जो होता है डेवलपिंग फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स। अब दो बातें यहाँ पर आ गई हैं आपकी, जो स्टेम होता है और उस पर जो प्रेजेंट लीव्स होती हैं उनमें दो तरीके की बड्स होती हैं, एक एक्सिलरी बड्स होती हैं। एक्सिलरी बड्स से जो भी निकलेंगे वो निकलेंगे वेजिटेटिव ब्रांचेज। वेजिटेटिव ब्रांचेज का मतलब हुआ कोई भी ब्रांचिंग नहीं, मोनोपोडियल ब्रांचेज, कोई भी डिवीजन नहीं होता है। अब दूसरी होती है नॉन एक्सिलरी बड्स। नॉन एक्सिलरी बड्स से क्या होता, फ्रूटिंग मतलब रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज फॉर्मेशन होगा, मतलब वो सिम्पोडियल ब्रांचेज होंगी। मतलब एक मतलब ये समझ सकते हैं कि जो एक्सिलरी है लीफ के जो और स्टेम के बीच वाला जो पोर्शन होता है उससे जो ब्रांचेज का फॉर्मेशन होगा उन पर कुछ भी नहीं होगा, वो केवल वेजिटेटिव रहेंगे, किसी तरीके का उन पर कोई फ्लावर का या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उनकी कह देंगे मोनोपोडियम, मोनोपोडियल का मतलब होता है पेट मतलब एक ब्रांच, और मोनो का मतलब एक ही रहेगी, वो कभी उनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, ना ही कभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइप की जो प्रोसेस होती नहीं होगी। जबकि जो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड्स हैं उससे जो ब्रांचेज निकलेंगे उन्हें फ्लूटिंग ब्रांचेज कहेंगे, मतलब सिम्पोडियल ब्रांचेज होंगी। और होता क्या है फाइनली कि कोई एक टाइप, दोनों में से कोई एक टाइप की ब्रांचेज ही फाइनली उसमें चलती है, बाकी दूसरी ब्रांच जो होती है नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि वो नहीं चल पाती, खत्म हो जाती है। अब वेजिटेटिव ब्रांच जो होती है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द मेन ब्रांच, मेन स्टेम से बिल्कुल सिमिलरिटी होती, क्यों, क्योंकि जैसा मेन स्टेम में कोई फ्लावर नहीं होता ऐसी वेजिटेटिव ब्रांचेज में कोई फ्लावर नहीं होता है।
दे गिव आउट सेकेंडरी ब्रांचेस, मतलब और वो कैसी होती हैं, जब उसे सेकेंडरी ब्रांचेज निकलेंगी तो वो प्योरली सिंपोडियल, इसका मतलब क्या होता है कि उनकी टिप पे एक फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। और फ्लावर कैसे होते हैं, बॉर्न ऑन अपोजिट द लीफ और फ्लोटिंग ब्रांच, बट रियलिटी में दे आर टर्मिनल इन पोजिशन। कहने का मतलब है कि फ्लावर केवल ब्रांच के टॉप पे होगा, टर्मिनल इन पोजिशन। उसके बाद लीफ की बात करें तो क्वार्टर में जो लीफ्स होती है वो पार्मेंटली कंपाउंड बड़ी लीफ होती है, जिनमें 3 to 5 or 7 लोब्ड हो सकते हैं। एंड क्लॉथ का मतलब उनके ऊपर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, मल्टी स्टेलेट हेयर्स, मतलब छोटे छोटे जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फ्लावर्स जो होंगे वो काफ़ी बड़े मतलब और सोई मतलब दिखते हैं, काफ़ी डिस्टिंक्ट क्लियर होते हैं। और दे आर सराउंडेड बाई इन्वोल्यूकर, इन्वोल्यूकर मतलब होता है कि सराउंडिंग सपोर्टिव स्ट्रक्चर की, उन्हें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो उन्हें किसी तरीके की मैकेनिकल हार्म या एब्रेशन से बचा सकती हूँ। उसके अलावा लार्ज ब्रैक्ट, जो लीफी ब्रैक्ट होते हैं वो भी होते हैं फ्लावर को सराउंड किए हुए। अब यहाँ पे दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, फैमिली मालवेसी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं कॉटन के थ्रू, ठीक है। कॉटन जो है फैमिली मालवेसी में पाया जाता है। मालवेसी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनकी वजह से जानी जाती है। एक होती है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जिनमें नहीं पाई जाती, बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स इन मालवेसी। दूसरा होता है इसमें एक स्टेमिनल ट्यूब पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कॉटन बिलोंग टू मालवेसी, तो ये दोनों फीचर्स कॉटन में भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। मतलब प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स मतलब लीफी ब्रैक्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल ब्लू साइड में, उन्हें हम एपिकैलिक्स बोलते हैं। दे आर जनरली परसिस्टेंट मेनी वैराइटीज ऑफ द कल्टिवेटेड कॉटन, मतलब यूनिवर्सल नहीं है बट कॉटन की भी बहुत सारी वैराइटीज में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूमेरस स्टेमेंस विद किडनी शेप्ड बन सेल्ड मोनोथिक जो एंथर होते हैं, देखिए स्टेमेंस होता है, स्टेमिन के ऊपर एक एंथर होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे एंथर्स के जो फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ के एक स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेमिनल ट्यूब जो होती है उसका काम होता है पूरी जो तरीके से स्टाइल को वो घेरे रहती है। अब बात आती है कॉटन फ्रूट, कॉटन का जो फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं बॉल, ठीक है। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जब पूछा जाता है। थोड़ा सा लेदरी होता है, लेदरी मतलब स्मॉल टाइप के हेयर्स होते हैं और स्फेरिकल इन शेप। अच्छा, ये जो बॉल होता है जो मेन हमारा इससे हमें जो रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारा कॉटन मिलती है उसमें 3 to 5 लोक्यूल्स होते हैं, या उन्हें हम चैम्बर कह सकते हैं। और एक लोक्यूल का जो कंटेंट होता है जिसके अंदर जितना मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉक। दो बातें इसमें ध्यान रखना है आपको, लॉक। अब इस लॉक के अंदर, इस पूरे मटेरियल के अंदर क्या होता है, 9 to 6 सीड्स हो सकते हैं। और हर एक सीड जो होता है उसकी सरफेस पे दो तरीके के, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रोए, हेयर्स होते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सीड पे दो तरीके के हेयर्स होते हैं, अगर जो स्मॉल टाइप के हेयर्स होंगे, ठीक है, उन्हें तो हम बोलेंगे लिंटर, बड़ा टर्म्स लिंटर। और जो लॉन्ग साइज के होंगे उन्हें हम बोलेंगे स्मॉल टर्म लिंट। ये ध्यान रखना है आपको, दो टर्म ध्यान है आपके पास, देखिए लिंट और लिंटर। तो लिंटर देखिए बड़ा है तो स्मॉल के लिए स्मॉल हेयर्स, और लिंट स्मॉल है तो इसके लिए लार्ज हेयर, ऐसे करके तो ध्यान रखेंगे। दो टाइप के हेयर्स पाए जाएंगे ऑन दी सीड, ये किसमें प्रेजेंट है, आपका लॉक में, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है कॉटन वो कहाँ से निकलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैप्सूल क्रैक एट मैच्योरिटी, जैसे जैसे मैच्योर होता है वो ब्रेक होता है, उसकी जो स्ट्रेचर मतलब होता है, जो जैसे इस तरीके से हम बनाते हैं ये जो होते हैं उसके ऊपर जो पट्टियाँ पड़ी होती हैं, ये जो जहाँ पर इनके ज्वाइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सूचर्स। ये इनके मीटिंग प्लेस ऑफ द कार्पल्स, ये आपस में क्या होते हैं एक्सपेंड मतलब खुल जाते हैं, और बाहर क्या निकलता है, वाइट कलर का फिल्पी मास, मतलब फिल्मल रोएदार का एक मास, जिससे हम क्या बोलते हैं कॉटन। भाई हमारा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कॉटन की इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है, इंडस्ट्रियल वैल्यू है, या इंडस्ट्रियल जो आज फाइबर मिलता है कॉटन से, यही है वाइट फ्लपी मास, ठीक है। ये तो हो गया आज का आपका पूरा मार्फोलॉजी कि लॉक लेंट लिंटर और आपका बॉल और आपका स्टेमिनल ट्यूब एंड एपिकैलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें गति ना बोलें, दो इंपॉर्टेंट फीचर है मालवेसी के, एपिकैलिक्स एंड स्टेमिनल ट्यूब की प्रेजेंस। तो इस तरीके से ये कॉटन में भी हम इसकी बात करेंगे। और कॉटन में स्पेशली दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं, सिंपोडियल एंड मोनोपोडियल। मोनोपोडियल मतलब वेजिटेटिव ब्रांच होती है, देयर आर नो फ्रूट नो सीड्स। सिंपोडियल पर क्या होता है, फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, मतलब फ्लावर फ्रूट्स और फ्रूट्स मतलब सीड भी पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की, कॉटन कहाँ पर ग्रो करना
पसंद करती है, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन से कौन सी टाइप की सॉइल कॉटन की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती है। तो आपने बहुत कॉमन सा क्वेश्चन सुना होगा 9th 10th या इससे भी बिलो क्लासेस 6th 7th क्लास में कि कॉटन जो होती है गुजरात में महाराष्ट्र में पैदा होती है और इन दोनों ही स्टेट्स में हमारे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। पहले कॉटन इज अ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब गर्म जगहों पर पाया जाने वाला, महाराष्ट्र देखते हैं अब गर्म होता है, गुजरात में भी गर्मी होती है, राजस्थान से लगा हुआ है, ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट्स कल्टिवेशन एक्सटेंड 37 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री साउथ। ये तो है आपके लिए न्यू वर्ल्ड की जो लोकेशन है, न्यू वर्ल्ड वाले जो प्लेसेस हैं उनके लिए ये वाला नॉर्थ एंड साउथ की मतलब लोकेशन है इसके बेटर कल्टिवेशन के लिए। अगर हम आपकी ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, 47 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ इज़ द बेस्ट फॉर द ओल्ड वर्ल्ड जो भी रीजन है उनके लिए। अच्छा, इट्स ग्रोन कॉमर्शियली एट द हाई एल्टीट्यूड जो कि सी लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई पे, वो वाली लोकेशन जो है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कॉटन के इंपॉर्टेंट मानी गई है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा है कि सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्स मिनिमम फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग के लिए, मतलब बिल्कुल जो पाला जो ओस होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कब तक नहीं होना चाहिए, 200 डेज तक। ठीक है, और एक अच्छी मतलब सूरज की रोशनी सनशाइन एंड वार्म यूनिफॉर्म क्लाइमेट, वार्म मतलब एक गर्म क्लाइमेट, वो भी ऐसा नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्लाइमेट। ठीक है, और टेम्परेचर कम, बार में तो टेम्परेचर एक अच्छा होगा बट इसमें भी कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए, मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा टेम्परेचर, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा होता है तो इट कैन बी विदस्टैंड ए टेम्परेचर अप टू 40, और हायर की बात करें तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ही बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेती है। अच्छा, इसके बाद आता है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर मौसम होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्रॉप इज गुड ससेप्टेबल टू हैवी रेन, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो इस प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए। एट एडिक्यूट सॉइल मॉइस्चर अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि इसके लिए सबसे अच्छी सूटेबल कितनी रेनफॉल चाहिए, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए एनुअली, रिक्वायर्ड इन दी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, ए रिलेटिवली ड्रायर सीजन ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग एंड नो रेनफॉल रैपनिंग, मगर जब रैपनिंग होती है उस टाइम ऐसा रेनफॉल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती क्योंकि इट काजेज फाइबर टू बी के मोल्डी एंड डिसकलर्ड, ये फाइबर जो हमारे हैं उनके कलर को उड़ा देती है जो कि काफ़ी हार्मफुल होगा फॉर द इंडस्ट्री या फिर जो हमारे इकोनॉमिक अवर फार्मर्स के लिए। कॉटन इज ग्रोन ऑन ए लार्ज ग्रेट वैरायटी ऑफ सॉइल्स, मतलब कॉटन बहुत सारी वैरायटी पे आप सॉइल्स पे ग्रो कर सकती है बट जो बेस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छी सॉइल मानी गई है वो गुड ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो, और ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल माना गया जो कि स्पेशली हमारे गुजरात एंड महाराष्ट्र जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें पाई जाती है। अब आता है क्रॉप हमारा कंप्लीट हो गया, उसके हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे तो देखते हैं। हार्वेस्टिंग बिगिंस अबाउट 6 मंथ आफ्टर द सोइंग, मतलब जब हम बॉई करते हैं उसके 6 महीने के बाद। एक अच्छी क्रॉप है कॉटन, काफ़ी टाइम लेती है, 6 मंथ का बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, सोइंग के बाद 6 मंथ के बाद ये हार्वेस्टिंग कंडीशन में होती है, और इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट वाला जो एक्सपेंसिव मतलब स्टेप है पूरे कल्टिवेशन में वो आपका हार्वेस्टिंग ही मानेंगे। हार्वेस्टिंग में इसका काफ़ी सीरियस और बहुत ज़्यादा फार्मर्स को कॉस्ट पे करना पड़ती है। ठीक है, मतलब अच्छा मतलब है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इज हैंड पिक्ड एज चीप लेबर इज इजली अवेलेबल, अब चूँकि जहाँ पे कुछ ऐसी भी हमारे साइट्स हैं हमारे देश में कि जहाँ पे लेबर कॉस्ट मतलब जो मजदूर हैं वो काफ़ी सस्ते हैं तो वहाँ पे आप इसे हैंड पिक भी करा सकते हैं, बट जहाँ पे जैसे कि पंजाब है वहाँ पे जो मजदूर हैं जो लेबर क्लास है वो काफ़ी कॉस्टफुल है, उन कंडीशन में या उन जगहों पे इसे हम हैंड पिक नहीं करा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट आएगी, सो वहाँ पे हम इसे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का भी फैसिलिटी हमारे पास है। तो हैंड पिकिंग इज कंटिन्यूड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ एंड 4 मोर बिकॉज ऑफ ऑल फ्रूट डू नॉट रैपन एट द सेम टाइम, एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है हैंड पिकिंग में क्योंकि पूरी अगर हैंड पिकिंग करें तो कम से कम 2 मंथ का टाइम लगेगा। अब 2 मंथ क्यों लगेगा, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं जो इसके वूल्स होते हैं वो सभी एक साथ उनमें कहने से हिंदी पकते नहीं, एक साथ उनकी रैपनिंग नहीं होती है, और दूसरा लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो इन दो रीजन की वजह से हमारे पास जो ऑप्शन खुला है वो है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में जो होता है क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो हैंड पिकिंग के थ्रू हार्वेस्ट करते हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी मेंटेन रहती है मतलब क्लियर होती है। अच्छा, जो हमारे ये जो वेस्टर्न पार्ट है कॉटन बेल्ट जहाँ पे ग्रो करी जाती है उसमें लेबर जो है वेरी मतलब बहुत कम है, काफ़ी प्रोडक्टिव स्टेट्स हमारे गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पर लेबर काफ़ी कॉस्टली है, तो वहाँ पर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग जो है एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो देख लेते हैं, वो क्या एक सक्शन प्रेशर पर काम करता है जो मैकेनिकल हार्वेस्टर होता है जो हम कॉटन के फील्ड में यूज़ करते हैं, सक्शन प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बेस्ड है, इतना ही ध्यान रखना है बस।
अच्छा, फॉर सक्सेसफुल हार्वेस्टिंग के लिए हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं कि अगर जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं थ्रू दी मैकेनिकल मतलब मशीन के थ्रू, तो उससे पहले हमें करना पड़ता है कि जो कॉटन पे लीव्स हैं उसके प्लांट पे, वो हमें किसी ना किसी तरीके से गिरानी पड़ती है, मतलब डिफोलिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक केमिकल आता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, उसका हम स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, इसका स्प्रे करने के बाद जो लीव्स होती है वो सब डिफोलिएट मतलब गिर जाती हैं, एंड देन दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर ए फैसिलिटेट द गुड हार्वेस्टिंग बाई द मैकेनिकल वे। तो इस तरीके से हम उसे अच्छी तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं बाई केमिकल कैल्शियम साइनामाइड बिफोर दी हार्वेस्टिंग, इसका स्प्रे कर दें। अच्छा, पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे जो इसकी जो लिंटर होते हैं, लिंट मतलब बड़े वाले जो आपके जो फाइबर्स होते हैं स्टेबल बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा यील्ड मतलब कैलिफोर्निया में की जाती है। अब आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब हुआ कि बिल्कुल हम कमर्शियल हो गए, हमारे अपने हार्वेस्ट कर लिया और हमारी क्रॉप जो है इंडस्ट्री में जाने वाली है या फिर फार्मर्स उसे सेल करने वाला इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री में जाके उसे जो धागा बनता है, जो उसे कपड़े की बुनाई होती है, जो कपड़ा बनता है, उसके बारे में बात करते हैं कि कितने स्टेप्स टोटल इसमें होते हैं। तो देखिए, बिफोर रॉ कॉटन इज स्पन, स्पिन का मतलब होता है बुनना, इनटू यार्न, यार्न मतलब धागा, एंड वोवन इनटू क्लॉथ। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले देखिए सिंपल हमारे पास क्या है, रॉ कॉटन, उससे हम क्या करेंगे यार्न धागा बनाएंगे, धागे से क्या बनेगा आपका फैब्रिक मतलब क्लॉथ बन जाएगा। इट मस्ट पास थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस में तीन बातें कह रहे हैं, स्पन यार्न एंड क्लॉथ मतलब फैब्रिक। ठीक है, तो इसमें एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस या नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि जिनिंग, वेलिंग, गार्डनिंग, मार्केटिंग, ओपनिंग, पिकिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्राइंग। एक और स्टेप इसमें रह जाता है, आगे हमने उसे बताता है, उसे बोलते हैं रोबिंग। ये इतने सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन पूरी प्रोसेस में, स्पन टू क्लॉथ तक, स्पन टू फैब्रिक तक। अच्छा, फॉर ए लॉन्ग टाइम हैंड सेपरेशन ऑफ द फाइबर वाज ओनली बे टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। एक टाइम ऐसा भी था कि हम सीड से हैंड के थ्रू, हाथों के थ्रू मतलब मैनुअल उनके हम फाइबर्स को अलग करते थे, मगर ये बहुत ही ज़्यादा टफ, वेरी टफ प्रोसेस है। इसलिए हमने क्या करा, हमारे पास आज है कॉटन चिन, एक ऑपरेटस, एक मशीन, एक डिवाइस जो उस काम को करने लगी। और इस डिवाइस का जो सिग्निफिकेंट इन्वेंशन था वो लगभग आपका 18th century में हो गया था, 18th century मतलब 1793 में ये जब कॉटन जिन की मशीन बन गई थी, डिवाइस जब इन्वेंट हो गई थी, तो पूरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसमें रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ मतलब जो सीड से फाइबर को अलग करने में कामयाबी मिल गई थी। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस जिनिंग या गिनिंग आप जो भी बोलें, इससे क्या होता है, हम सीड से कॉटन के जो फाइबर्स हैं उन्हें कैसे अलग करते हैं। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। देखिए, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डेड वूल, डिट मतलब जो गंदगी है उसको हटाने के बाद, बूल और लीफ फ्रेगमेंट एंड अदर जो फॉरन मैटर्स होते हैं, रॉ कॉटन इज कन्वेड टू दी हॉपर ऑफ जिन। हॉपर का मतलब होता है जो उसका पंखा होता है मोटर में लगा हुआ, उसके थ्रू हम उसे रोलर के थ्रू या फिर शार्ट टाइप, दो तरीके हैं इसमें, उसकी एंट्री उसमें चली जाती है। अगर हम रोलर के थ्रू करते हैं, करें ना, रोलर इज मेनली यूज फॉर कॉटन वराइटीज हैविंग लॉन्ग स्टेपल, जिसमें लंबे लंबे फाइबर्स हैं उनके लिए हम रोलर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सी आईलैंड कॉटन या इजिप्शियन कॉटन जो है, वो उसमें जो काटने के जो फाइबर होते हैं लेंथ वो काफ़ी लंबे होते हैं। और जो शॉर्ट टाइप की मतलब जो ऑपरेटस है वो हम इम्प्लॉयड करते हैं शॉर्ट स्टेपल मतलब लिंटर वाले, जिन्हें हम लिंटर बोलते हैं, शॉर्ट वाले जो फाइबर्स होते हैं लिंटर, इनके लिए। जैसे कि किस वैरायटी में पाए जाते हैं शॉर्ट लिंटर, जैसे अमेरिकन अपलैंड एंड एशियाटिक वैरायटी में आपके जो लिंटर होते हैं, मतलब लिंटर का मतलब ही होता है स्मॉल मतलब फाइबर्स। तो अब इससे एक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि रोलर के थ्रू करें शॉर्ट टाइप के थ्रू करें, तो रोलर जो है वो क्लीन करता है मोर स्लोली देन जिन, बट एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है, रोलर जिन के थ्रू जो होता है जो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब कोई किसी तरीके का डैमेज नहीं करता है फाइबर को, ये रोलर जिन की इंपॉर्टेंस है ओवर दी सा टाइप जो रोलर है उसमें। अब दूसरा स्टेप आता है बैलिंग। बैलिंग का मतलब होता है उनके गट्ठे बनाना, किसी चीज़ को बांधना। अब उनके बांधने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, उनके छोटे छोटे गट्ठे बना लेते हैं और फिर उन्हें जूट जूट एक दूसरा फाइबर करा पर उससे हम उसे बांध देते हैं। ठीक है, या फिर आजकल जो इंडस्ट्री लेवल बात करें तो आयरन की वो आयरन बैंड्स आते हैं उनके थ्रू हम उन्हें बांध देते हैं। आयरन बैंड को क्या बोलते हैं, टाइस। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप है पिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है उन्हें आप बगट्ठा बना के उन्हें उठा लेना। जैसे आपने अगर देखा होगा, आप फार्मिंग के थोड़ा सा भी आइडिया होगा, जैसे आप राइस कल्टीवेशन के बारे में अगर देखा होगा, तो राइस को पहले काटते हैं, फिर उसे बिछा देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उन्हें बांध देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें उठा के एक जगह पर ले जाते हैं, फिर उनसे मैन्युअली अब तो थ्रू दी मतलब आप मशीन के थ्रू उनसे धान धान की जो क्रॉप होती है पैडी की, उन्हें अलग से वही प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पिकिंग का मतलब होता है उठाना, फील्ड से उठा के एक जगह पे कलेक्ट करना। अब जो बैलेट कॉटन बैलेट मतलब जो गट्ठे बने हुए रखे उन वाले कॉटन को फर्स्ट ब्रोकन तोड़ा जाता है एंड देन फाइबर्स आर पास थ्रू ए स्कूटर, स्कूटर मतलब एक मशीन।
ठीक है। अभी जो मैटर है, मशीन है जो स्कूटर बोलते थे, इसमें क्या होता है, इनकी बीटनिंग सेकिंग एंड रोल्ड टू रिमूव ऑल फॉर मटेरियल्स, ठीक है। और इन्हें क्या करेंगे हम स्टैंड में दोबारा से सेपरेट करके इन्हें यूनिफॉर्म लेयर की फार्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट पिकिंग मशीन कॉटन में होने के बाद ये कैसी जो कॉटन है वो कंडेंस फार्म में, सीट की फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस टाइम हम इसे देंगे नाम लैप। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन आता है कि जो कंडेंस फार्म है आफ्टर दी पिकिंग के बाद जो उसकी फार्म हो जाती है, ये इस ऑपरेटर से निकलने के बाद कंडेंस कॉटन के लिए, ये कंडेंस कॉटन सीट के लिए एक टर्म दिया जाता है, वो है लैप। इसे ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लैप, सॉरी कार्डिंग। कार्डिंग में क्या करते हैं, उन्हें हम अलग करते हैं, दोनों टाइप के जो फाइबर्स हैं उन्हें हम सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, और इसके थ्रू हम करते हैं कि जो सेपरेट इंडिविजुअल फाइबर्स हैं उन्हें अलग अलग करके एक पैरेलल उनके हम गट्ठा बना देंगे, ठीक है। और उन पैरेलल को हम फिर से जो में जो मटेरियल था, जो ट्रेस मटेरियल वेजिटेबल्स है, उन्हें रिमूव कर देते हैं बिल्कुल साफ सफाई करने के बाद। अब उनका नेक्स्ट स्टेप एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिंग, ड्राइंग या ड्राफ्टिंग। कॉम्बिंग अलग टर्म्स है, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग एक अलग स्टेप है, हम दोनों को साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कॉम्बिंग है उसमें जैसे होता है ना कंघी करना, कि छोटे अलग और बड़े अलग, ठीक है। वेयर शॉर्ट फाइबर्स आर रिमूव बाई ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेंथिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ दी फाइबर। और ड्राइंग का मतलब होता है कि उन्हें इस तरीके से हाथ मारने के बाद सीधा करना, सीधे मतलब उन्हें स्ट्रेंथ करना, और उन्हें अलाइनमेंट मतलब उन्हें सीधे से लगाना, अलाइनमेंट, ठीक है। अब इससे क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना है कि इट इज़ कस्टमरी टू अप्लाई टू ड्राइंग ऑपरेशंस आफ्टर कार्डिंग एंड टू आफ्टर कॉम्बिंग। मतलब कार्डिंग से पहले दो ऑपरेशन करते हैं और कार्ड, तो इस स्टेप से हमने क्या सीखा है कि एक जो कस्टम्स होता नहीं रिवाज है कि जो हमारा ऑपरेशन है कार्डिंग उसके बाद दो ऑपरेशन हमें करना है और कॉम्बिंग से बाद दो ऑपरेशन करना है। कॉम्बिंग तो हो गई है, कार्डिंग से पहले हमने दो ऑपरेशन कर लिए थे क्या, पिकिंग बैलिंग और आपने देखा होगा गिनिंग, ये दो ऑपरेशन गिनिंग तो स्टार्टिंग हो गई, तो बैलिंग एंड पिकिंग बिफोर दी कार्डिंग, और कॉम्बिंग आ गया, कॉम्बिंग इसका मतलब इसके बाद दो ऑपरेशन करना है। तो हम इसे देखते हैं, इसमें एक टर्म और आता है इंपॉर्टेंट, फ्लीकी लैप। इसे ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इज कंडेंस्ड थ्रू ए फनल इनटू ए सॉफ्ट अनट्विस्टेड रोप और सिल्वर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो फ्लीकी लैप ऊपर से आया था, जो कंडेंस कॉटन था, उसे हमने और कंडेंस किया थ्रू ए फनल इनटू सॉफ्ट अनट्विस्टेड, बिल्कुल साफ सुथरी, मतलब उसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं रहेगा, इस तरीके की हमने फाइबर्स में उन्हें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। अब उसके बाद पूरी जो हमारे पास फिनिश्ड जो था वो कन्वर्ट हो गया यार्न में, और यार्न किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, फैब्रिक में। तो आपने देखा ये जो भी स्टेप थे, मगर एक स्टेप आज के टाइम में और ओपन हुआ है जिसे काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा था कॉम्बिंग और ड्राफ्टिंग, उसके बाद जो बहुत ही लेस पेंशन है वो है रोबिंग। इसे ध्यान रखना है, अभी MCQ जो आपने देखे होंगे तो उसमें सभी टाइप के स्टेप्स मैंने वहाँ पर बहुत ही ईजिली आपको एक्सप्लेन किए, क्योंकि फार्मा क्वेश्चन जो इस तरीके से आपको कॉपी उनके डेफिनेशन, उनके बारे में ट्रू एंड फॉल्स जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि रोबिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कॉटन प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है रोबिंग। ये ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज कर लें, देखिए फाइबर होता है सबसे मेन, हमें फाइबर मिलता है कॉटन से, फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पिनिंग मतलब बुनाई, और फिर यार्न से हम फैब्रिक, ठीक है, फिर वीविंग। तो ये जो इंग्लिश में हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब बुनाई कताई होता ना, तो जो टर्म्स हम बोलते भी मगर हमें नॉर्मली डिफरेंस नहीं मालूम होता। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना, जिसमें आपने देखा होगा पहले बहुत टाइम पहले स्कूलों में प्रैक्टिकल हुआ करता था कताई बुनाई का, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता था तकली, कतली कहते हैं, तकली आई थिंक, मुझे सही से पता नहीं है, उससे हम रुई से सीधा हम धागा बनाते थे। जो हमारे जो नेशन फादर हैं जो महात्मा गांधी, उनसे बहुत इंस्पायर था वो सब्जेक्ट, अब वो ख़त्म हो गया, उस सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था हमारा कपड़ा, एक किताब आती थी उसमें ये प्रैक्टिकल किया जाता था, तो उसमें कॉटन लेके जाना पड़ती थी और कॉटन से धागा बनाया जाता था, ठीक है। याद नहीं यहाँ तक मतलब स्पिनिंग, तो उसे बोलते थे कताई, कताई से वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसे बोलते थे कतली ये तकली, और उसके बाद उस धागे से फिर कपड़ा बन सकता था जो गांधी जी करते थे अपने कि अपना बना के कपड़े को पहनना, फिर उसके बाद उसे फैब्रिक, आजकल जो फैब्रिक है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया, पहले हम केवल यहाँ तक थे यार्न तक, ठीक है, धागा बना, धागे से अपना लोकल कपड़ा बना लेते उसी को हम पहनते थे, मगर आज जो है इंडस्ट्री लेवल पर उससे फिर जो हो गई वीविंग बुनाई, ठीक है, उससे फैब्रिक हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और है, नीटिंग जिसे हम देखा होगा घर में जो औरतें करती रहती हैं,
ये सिंगल यार्न एक पीस ऑफ फैब्रिक बना लेना, जैसे स्वेटर बुनना होता है उसमें एक टाइप की मतलब होता है यार्न, और उससे वो क्या कर लेती हैं बना बनाया वो धागा लाती हैं, ऊन ऊन हमने सुना होगा, और उससे वो लाती हैं बना बनाया, वो कॉटन नहीं लाती हैं, रुई नहीं है, उन्हें सीधा ऊन मार्केट से लेते हैं, ऊन बोलते हैं, और उससे अपनों ने क्या बना लिया स्वेटर बना लिया। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होते हैं उसे बोलते हैं निटिंग। तो इसे ध्यान रखना है। सिंगल यार्न की बात करें और पीस ऑफ फैब्रिक में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि छोटा स्वेटर एक पीस ऑफ फैब्रिक ही बोला जाएगा, तो इसे निटिंग बोलते हैं। फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना स्पिनिंग है, और यार्न टू फैब्रिक करना ये वीविंग में आता है। ये अब शुरू हो गए आपके एप्लीकेशंस की, कॉटन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कॉटन की दो प्रायोरिटीज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सॉफ्ट एंड सपल, ठीक है। ये दो क्वालिटी जो है कॉटन की आपकी इसे बनाती है हाईली वैल्यूएबल टेक्सटाइल फाइबर, सॉफ्ट एंड सपल, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हैं दोनों, और इसकी वजह से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज भी कॉटन को कोई दूसरा फाइबर चैलेंज नहीं कर पाया है। अच्छा, इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसे किसी तरीके से हम इसे पुश करके खींच लें तो उसके बाद अपनी कंडीशन में पहुंच जाता है, मतलब विदिस्टेंट टीयर एंड ब्रेकिंग को ही अपोज करता है अंडर स्ट्रेस, ठीक है। अनलाइक अदर फाइबर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एप्रिसिबली इंक्रीज वेन इट, और जब इसे थोड़ा सा गीला कर देते हैं, भिगा देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो क्वालिटी है इसकी कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, और जबकि जो सॉफ्ट एंड सफल वाली जो दो क्वालिटी है वो इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे मतलब आज का किंग है, कॉटन जो है किंग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें कोई परमानेंट इसकी जो जो रेजिस्टेंस मतलब कोई परमानेंट चेंजिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब जो उसे रजिस्ट करता है, मतलब रजिस्ट का मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट ये खुद को रजिस्ट करता है कि हम परमानेंट चेंजिंग के लिए तैयार नहीं है, मतलब अपनी पुरानी स्थिति में वापस चला जाता है, ओरिजिनल स्टेट में ये रिटर्न हो जाता है, मतलब रजिस्टेंस टू परमानेंट चेंज इन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों लंबाई में भी और चौड़ाई में। इसके बाद इसके पास एक और क्वालिटी है, इसी क्वालिटी की वजह से इसे जो आज के जो लॉन्ग टाइम जहाँ पे हमें सुइटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे कि टायर कॉर्ड मशीनरी बेल्ट एंड ट्विंस के फॉर्मेशन में कॉटन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद आता है कि रिपीटेड बेंडिंग बार बार इसे मोड़ना ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो इसके जो फाइबर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द अदर फाइबर्स जो हैं वो नहीं करते, मगर कॉटन में एक क्वालिटी होती है कि रिपीटेड बेंडिंग ओवर ए लॉन्गर पीरियड उसे भी ये रजिस्ट करता है। इसके बाद कॉटन जो होता है एब्रेशन या फ्रैक्शन जो होता है अदर मटेरियल के साथ उसे भी मतलब पसंद नहीं करता, रजिस्ट करता है। इसकी वजह से हैवे वीविंग क्वालिटी, गुड वीविंग क्वालिटी एंड लॉन्ड्रेबिलिटी, मतलब धुलाई में भी अच्छा होता है और इसे बुनाई में भी अच्छा होता है इस क्वालिटी की वजह से कि किसी तरीके की पसंद नहीं। कॉटन इज एक्चुअली पूरी क्रॉप ही कैश क्रॉप है, क्योंकि इसके अलावा ये थ्री प्रोडक्ट मतलब फाइबर तो पता ही सबको, फूड भी मिलता है इससे और फीड भी मिलता है मतलब चारा भी मिलता है। अब एक टोटल पूरी प्लांट की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो रूट बार्क होती है, ठीक है, उसे अर्गोटिक जो फंगल ड्रग होती है उसके टाइप की ड्रग्स मिलती है, और इसका जो तने होते हैं स्टॉक उनसे एक पायरोलिजिनस एसिड मिलता है, लीफ से इसकी चारा मिलता है, और इसके ऊपर सीड के ऊपर जो मतलब फाइबर्स होते हैं जो बड़े वाले फाइबर जिन्हें बताया ना लिंट, लिंटर जो स्मॉल होते हैं वो दूसरे काम में आते हैं, जो लिंट होते हैं मतलब स्मॉल जो बड़े सॉरी लार्जर जो फाइबर स्टेपल जिन्हें बोलते हैं उनसे क्लॉथिंग और इंडस्ट्रियल आर्टिकल बनते हैं। फ्रूट जो इसका होता है उससे क्या मिलता है, उसकी जो ऊपर की जो हस्क होती है जो हल बोलते हैं उससे लो ग्रेड का चारा बनता है, फाइबर बोर्ड बनते हैं। अच्छा, अब जो सीड उसके मतलब कॉटन ऑयल भी होता है उससे निकालने बाद जो सीड का केक बचा देते हैं हम सरसों में बोलते हैं खली, इस तरीके से उसका कॉटन सीड केक बनता है वो फर्टिलाइजर काम आता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग जो कपड़े के आइटम में शर्टिंग अंडरवियर जो भी है ग्लोवर्स हॉजरी और हैंड कर्चीप जो भी सब इससे बनाए जाते हैं। अच्छा, हाउस होल्ड आइटम की अगर हम बात करें तो मॉस्किटो की नेट बनती है, फनेल बनती है, ब्लैंकेट बनते हैं, टेपेस्ट्री फैब्रिक बनती है, टॉवल बनती है, टॉवल क्लॉथ बनती है। इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स में अगर हम बात करें तो बैग बेल्ट बेल्टिंग इंडस्ट्रियल थ्रेड्स और टेंट्स एंड टारपोलिंस, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल ड्राइव फ्रॉम द लिंटर, अब जो स्मॉल वाले जो फाइबर थे, ठीक है, जिन्हें हमने बोला था लिंटर, ठीक है, इनका क्या ये स्टफिंग क्लोसेंस में होता है गद्दे वगैरह में भरने काम आता है, पिलोज में मैट्रेसेस में एंड वाइडर एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई ग्रेड पेपर, इस क्योंकि बहुत स्मॉल फाइबर होते हैं तो इनसे हम हाई ग्रेड का पेपर बना लेते हैं जैसे सेलोफेन रेयन बारनेसेस लेक्योर्स एंड एक्सप्लोसिव तक बनता है उससे। तो लिंटर के भी अपने एप्लीकेशन हैं और लिंट के भी अपने एप्लीकेशन हैं, ठीक है। कॉटन इज अट्रैक्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि इसे हम केमिकल के थ्रू इसे हम मॉडिफाइड कर सकते हो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इस पॉइंट से रिलेटेड, जो अट्रैक्टेबल का मतलब होता है मैसराइजेशन। मैसराइजेशन का मतलब हुआ कि अगर हम इससे टेम्परेचर और KOH हम बोलते हैं NOH सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं उसके साथ अगर हम इसे ट्रीट किया जाए तो
उसके बाद जो कॉटन प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी थी, इस प्रोसेस की करी थी जॉन मर्सर ने, तो उनके नाम पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं मर्सराइजेशन। और मर्सराइजेशन के बाद और मर्सराइजेशन से पहले की कॉटन में बहुत मेजर डिफरेंस होते हैं, जैसे कि मर्सराइजेशन गिव्स कॉटन ए हाई लस्टर, मेक्स इट इजी टू डाई एंड प्रोड्यूसेस ब्राइटर एंड फुलर शेड। मतलब मर्सराइजेशन के बाद इसमें एक तो लस्टर बढ़ जाएगी और ये डाई कोई भी कलर हम प्रोवाइड करेंगे तो बहुत इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। इसके अलावा जो चमक है, ब्राइटरनेस आएगी और फुल जो शेड्स हैं वो भी इसके और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और तरीका हमारे पास है जिसे हम बाटर रिप्लेंट कॉटन बना सकते हैं, मतलब ऐसी कॉटन जो बाटर को रिप्लेस करे उससे, मतलब रिप्लेंट का मतलब एक पॉजिटिव, ऐसी जगह पर जाना हो जहाँ पर बाटर लग जाए तो उसे रिप्लेंट करने का काम आता है, तो उस तरीके का आर्टिकल हम बना सकते हैं जहाँ पर बाटर रिप्लेंसी की जरूरत होती है, जैसे कि इंडिविजुअल फाइबर ऑफ कॉटन आर रेंडर हाइड्रोफोबिक बाय ट्रीटिंग विद केमिकल। इसमें क्या है, इसमें दो केमिकल को हम यूज़ करेंगे, नाम आपको ध्यान रखने, सोडियम अमोनियम स्टीरेट और दूसरा होता है अल्यूमिनियम एसीटेट। इनका हम अल्टरनेट पहले करेंगे सोडियम अमोनियम एसीटेट से ट्रीटमेंट, उसके बाद अमोनियम एसीटेट, तो उसके बाद जो हमें कॉटन मिलेगी उसे हम बोलेंगे वाटर रिप्लेंट कॉटन, ठीक है। तो डूइंग वो ट्रीटमेंट एक मेटेलिक सॉप लाइक डिपोजिशन फैब्रिक पे कलेक्ट हो जाता है जो प्रोवाइड करता है उसे वाटर रिप्लेंसी की क्वालिटी, ठीक है। इन दोनों केमिकल से ट्रीटमेंट के बाद कॉटन हैव डेवलप्ड ए प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिप्लेंसी। अब ये जो कॉटन फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन, इस तरीके का कॉटन जो होता है उससे हम टेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव टाइप की कवरिंग बना सकते हैं। तो देखिए दो केमिकल, तीन केमिकल आपको ध्यान रखना, मर्सराइजेशन में आपने के एन ए ओ एच को सुना है, और उसके बाद जो वाटर रिप्लेंट कॉटन बनाने में हमने सोडियम अमोनियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट को सुना है, एल्यूमिनियम एसीटेट की बात करिए। अब तीसरी कैटेगरी आती है एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन हम कैसे बनाएंगे, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने जब कॉटन फाइबर पढ़ा है तो हमें बताया कि कॉटन में एक बैक्सी लेयर होती है, अगर हम उस बैक्सी लेयर को रिमूव कर दें, ठीक है, तो कॉटन के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जब डेवलप हो जाएगी तो कॉटन इज वैल्यूएबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अंडर क्लॉथिंग जो होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए, टॉवल्स बनाने के लिए, नैपकिंस और बैंडेज जैसे मटेरियल बनाने के लिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि एब्जॉर्बेंट कॉटन भी हो सकती है, वाटर रिप्लेंट कॉटन भी हो सकती है, मर्सराइज्ड कॉटन भी हो सकती है। ये तो आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉटन के नाम टर्म्स हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कि मर्सराइज्ड कॉटन क्या होती है, वाटर रिप्लेंट कॉटन क्या होती है, एब्जॉर्बेंट कॉटन क्या होती है। इसी तरीके से हम सुना होगा बीटी कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है। तो आप इन नाम को ध्यान रखें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे तो हम तीन कॉटन को हम बात करेंगे। सबसे पहले तो करेंगे मर्सराइज्ड कॉटन, कौन सा केमिकल के थ्रू मर्सराइजेशन करते हैं, उसके बाद करेंगे हम वाटर रिप्लेंट कॉटन, कौन से केमिकल इसमें यूज होते हैं, दो केमिकल यूज होते हैं, और तीसरा हम करेंगे एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो इसमें हम किसी बाहर वाले मटेरियल केमिकल यूज नहीं करेंगे, बल्कि ऑलरेडी जो फाइबर पर केमिकल पाया जाता है, मतलब एक लिपिड होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्स, उससे अगर हम रिमूव कर दें तो हम वाटर इस कॉटन के अंदर फाइबर्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्बेंस की प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। और जब डेवलप कर लेंगे तो वो कॉटन हमारे नैपकिंस, बंडेज और अंडर क्लॉथिंग और टॉवल्स बनाने के काम आ सकती है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिजीज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो कॉटन में कौन कौन सी डिजीज होती है, तो उसमें भी हम कुछ कॉटन के तीन चार नाम पढ़ेंगे। देखिए कॉटन इज अटैक्ड बाई, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नाम दे रहे हैं, बूल वेबिल, पिंक बूल वार्म, कॉटन लीफ बार्म, कॉटन फ्लैश ऑपर, कॉटन रैपिड, रैपिड प्लांट बग्स और कनकुला, साधन ग्रीन स्टिंग बग, स्पाइडर माइट्स जिसे हम स्प्राइट माइट बोलते हैं, ग्रास ऑपर, थ्रिप्स एंड कुछ अदर प्लांट बग्स भी हैं जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं। अब आता है कॉन्वेंशनल कॉटन का, इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए मतलब प्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर इंसेक्टिसाइड देन एनी अदर, मतलब जो पुराने टाइप की जो कॉटन की वैराइटीज हैं उनमें बहुत हमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो पुराने टाइप के अंदर उनके पास किसी टाइप की रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है, इसलिए जब हम उन्हें कल्टीवेट करते हैं तो हमें दूसरे उन्हें इंसेक्ट से बचाने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा उन पर इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके की कॉटन वैराइटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल कॉटन। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉटन का मतलब क्या हुआ कि हम इस पर किसी भी तरीके का जो नॉन सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हम यूज़ तो करेंगे, मतलब वो नॉन सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होगा, मतलब बहुत ही उसके जो इम्पैक्ट होंगे, जो इफेक्ट्स होंगे वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होंगे, और आजकल इनका ट्रेंड बढ़ रहा है तो इसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कॉटन, मतलब कोई केमिकल नहीं है, नॉन सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद तीसरा है बीटी कॉटन, ये तो बहुत आपने फेमस काम टर्म है, बीटी कॉटन मतलब ट्रांसजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो कॉटन डेवलप किया है उसे बोलते हैं बीटी कॉटन। अच्छा, इसमें चूंकि पेस्टिसाइड जो बाहर से लगाने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट के अंदर जेनेटिकली हमने इन तरीके के पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस बना रखा है, डेवलप कर रखा है, ठीक है। तो वो अपना
स्वतः कर लेगी, कहने के बाद अगर बहुत रेयर ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कॉटन के थ्रू हमने पेस्टिसाइड के यूज को बहुत हद तक कम कर दिया। इसके बाद तीसरा एक चौथी कंडीशन है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट कॉटन। इसमें क्या होता है कि जो कॉटन की वैरायटी या जो इसके जो बीज सीड्स होते हैं जो प्लांट होता है वो टॉलरेट एक हर्बिसाइड आता है जिसे बोलते हैं ग्लाइफोसेट, उसे टॉलरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से और ये कॉटन कैसे बनाया गया भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान रखना बीटी कॉटन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है और ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट कॉटन भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट है, आउटकम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा एंगुलर लीफ स्पॉट या टेक्सास रूट रॉट, इन डिजीज को ध्यान रखें किन प्लांट की डिजीज है ये, टेक्सास एंगुलर स्पॉट या फिर टेक्सास रूट रॉट, ये आपके बैक्टीरियल डिजीज है और कहाँ पे होती है, कॉटन में होती है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ हमने नाम बता दिया आपको, बूल वीविल, पिंक बूल वार्म और बूल वार्म, ये इसके मेन पैथोजन है। चार टाइप की कॉटन बता दी, ऑर्गेनिक कॉटन, बीटी कॉटन, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट कॉटन और कॉन्वेंशनल कॉटन। इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको तीन तरीके कॉटन बता दी, मर्सराइज कॉटन, वाटर रिपेलेंट कॉटन एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन। गाइस तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें मैंने आपको टोटली कॉटन के बारे में 2 लेक्चर उसके थ्योरेटिकल और 7 लेक्चर आपके एमसीक्यू के बना के, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज और 2 लेक्चर आपके कॉटन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर मैंने बनाए। तो आई होप कि मतलब कॉटन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉटन को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही ब्रीफ मतलब इसका कहना चाहिए सॉरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है और एक एक लाइन से मैंने इसके एमसीक्यू बना के आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।